सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र गंगोत्री धाम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका अपने YouTube चैनल हर्षित व्लॉग में। और अगर मौसम की बात की जाए तो अभी काफी अच्छी सी धूप निकली हुई है, लेकिन शाम और सुबह काफी ठंडा हो रहा है गंगोत्री धाम में। और हमारे घर में लगभग 9 बजे धूप आ रही है, तो अभी धूप लगने के बाद काफी सुहावना मौसम है। तो मैं भी एकदम नहा धो के रेडी हो गई, जहाँ पे मेरी माँ जी और मेरे भाई जी लोग हैं, तो निकलती हूँ यहाँ से और माँ भगवती गंगा जी के दर्शन भी करती हूँ। और ये है हमारा गंगोत्री का घर, ये पुराना वाला है और ये वाला बना हुआ है नया वाला, जहाँ पे मेरी माँ जी, मेरी मौसी जी, भाई जी लोग मंदिर गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। तो वहाँ पे जाती हूँ अब और वहीं से माँ भगवती गंगा जी के दर्शन करेंगे। और माँ जी लोगों को जो भी नाना जी का आज श्राद्ध है, तर्पण वगैरह करवाना है, और मंदिर में भंडारा है जहाँ पे कि गंगा जी की लंगर चलती हूँ। तो निकल गई घर से। और अभी की जो धूप निकली हुई ना, तो धूप में काफ़ी तेज़ी है, लग ही नहीं रहा कि शाम सुबह इतनी ठंड हो रही होगी। और शाम को जो ठंड है ना सुबह के टाइम पे, तो बहुत ही कंपकंपाती हुई ठंड है। तो आप लोग दर्शन कीजिए माँ भगवती गंगा जी के। और गंगा जी घाट के सामने पे ही होती है ये सब पूजा की दुकानें, जिसमें कि आपको सब पूजा का सामान मिल जाता है। चाहे आपको यहाँ से गंगा जल के लिए केन वगैरह लेनी हो, या पूजा का कोई भी सामान लेना हो चढ़ावा का, तो सभी कुछ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे थालियाँ मिलती है पूजा की, जिसका कि अलग अलग रेट होता है। आपको 51 रुपये की भी मिल जाती है, 101 रुपये की मिल जाती है, 251 रुपये की मिल जाती है। तो ये सारे बिल्कुल जहाँ पर आप स्नान करते हैं, स्नान घाट है गंगा जी का, तो वहीं पर ये सब पूजा का सामान भी मिल जाता है। और जब आप गंगा जी स्नान करते हैं तो आपको यहाँ पे छोटी बाल्टी, जरकिन वगैरह भी मिल जाता है, जो कि बिल्कुल नहाने के काम आता है, क्योंकि गंगा जी का भाव काफ़ी तेज है। तो आप जग से या ये छोटी बाल्टी से नहा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जितने भी गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित हैं, सभी यजमान अपनी पूजा करवा रहे हैं। स्वर्ग की कामना करना, जो कामना गंगा जी से मांगनी है गंगा जी से मांगिए। और यहाँ पे है जो गंगा सभा समिति होती है, उसके द्वारा सुबह का ब्रेकफास्ट दिया जाता है। तो ब्रेकफास्ट में आज दलिया और चाय बनी हुई है। जितने भी तीर्थ यात्री बाहर से आते हैं, जितने भी लोकल लोग हैं, यहाँ पे सारी फ्री लंगर होती है, सब आप लोग फ्री में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और आज आप ब्रेकफास्ट में देख सकते हैं, ये है दलिया और साथ में है गर्मा गर्म चाय का, ये यहाँ पे कैटल लगा हुआ है, इसमें है गर्मा गर्म चाय। और जब भी आप गंगोत्री धाम आते हैं तो माँ भगवती गंगा जी का प्रसाद यहाँ से खा के ज़रूर जाइए। तो अभी मैंने माँ भगवती गंगा जी के दर्शन कर लिए और आप अभी प्रांगण में देख ही सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी जितने भी यात्री आ रहे हैं गंगा स्नान कर रहे हैं, तो प्रांगण में अभी दर्शन के लिए उतनी भीड़ नहीं है, ना ही लाइन लगी हुई है। तो मैंने भी जल्दी से दर्शन कर लिए। जायता वचिदपि माता नभवती, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। अभी कई तीर्थ यात्री थे बाहर से, उन्होंने मुझे बुलाया, तो उनके यहाँ प्रोसेस हो जाते हैं। जो सुहागवंती औरत होती है तो उनको ये प्रसाद दिया जाता है, तो गंगा माँ के स्वरूप में मुझे भी ये प्रसाद मिला, उनसे ये भेंट मिली। तो यहाँ पे जो नाना जी का श्राद्ध है, तर्पण है, तो भाई जी ने किया अभी। बजाया शांति, ब्रह्म शांति, सर्वत्म शांति, देव शांति, ओम जय गंगे माता। तो अभी मैं आ गई फिर से माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण में, और अभी आप दिन के टाइम पे देख सकते हैं काफी भीड़ लगी हुई है, पूरी लाइन लगी हुई है। नमस्कार, गाय बोलो, 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 नमस
खाना खाते हैं, चाहे वो गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित हो या बाहर से आए हुए यात्री हो, आज ये लोग भी दिल्ली से आए हुए हैं, इनके यहाँ भी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। तो किसका है आज? मेरी सासू माँ का। तो इनकी सासू माँ का है और इनके मन में है कि मैं कम से कम 21 जो यहाँ के जो पुरोहित हैं उनकी जो धर्म पत्नी है तो उनको जिमाना चाहती हैं। तो आज दक्षिणा और साड़ियाँ वगैरह प्रसाद बहुत मिल रहा है माँ भगवती गंगा जी। तो अभी माँ भगवती गंगा जी का भंडारा भी खा लिया और भंडारा खाने के बाद अभी जा रहे हैं कमरे में, तो माँ जी लोगों को भी लेके जा रही हूँ। चलिए जी, मंदिर दर्शन करने के बाद अभी मैं आ गई घर पे और मेरी माँ जी लोग भी आ गए मेरे साथ में। माँ जी लोग आराम कर रहे हैं अंदर। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको मुझे गिफ्ट में क्या क्या मिला। तो अभी आप ये देख सकते हैं जो दिल्ली से थे, तो ये देखो आप इतनी प्यारी सी इसमें साड़ी और साथ में है दक्षिणा वगैरह। और ये है जो लोग मुंबई से आए हुए थे, ये देखो ये साड़ी और इसमें भी दक्षिणा। और ये आप ये देखो ये अंदर से मुझे माता रानी का प्रसाद मिला गंगा मैया का। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। तो अब थोड़ी देर माँ जी लोग भाई जी लोग आराम कर रहे हैं और शाम की चाय पीने के बाद मैं आपको धारा आरती और शाम को गंगा आरती के दर्शन करवाऊंगी। आप थोड़ा सा आराम करते हैं। चलिए जी, अभी मैंने बना दी गर्मा गर्म चाय और मौसी जी लोग भी चाय पी रहे हैं। बाकी काफ़ी लोग आए हुए हमारे भाई बहन बाहर पे, तो सभी अब लोग चाय पी रहे हैं अभी। और मौसी जी भी यहाँ पे चाय और बिस्किट, माँ जी भी और बाकी सभी लोग बैठे हुए हैं। हम देख सकते हैं सभी लोग गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। चलिए जी, चाय पीने के बाद अभी जा रहे हैं धारा आरती में। और देखो मेरी माँ जी को कितना ठंडा लग रहा है। मेरी माँ जी ने स्कार्फ के ऊपर एक और मफलर और दो स्वेटर। तभी माँ जी कह रही कि शाम को, वास्तव में शाम को गंगोत्री धाम में काफ़ी कपकपाती वाली ठंड हो रही है और जितनी ठंड है ना उतनी दिन में धूप तेज है। लेकिन है ना मौसी, अब मेरी मौसी जी को भी देख सकते हैं, बिल्कुल पैक हो रखी है। इस समय तो बहुत ठंड हो गई भाई। और मेरी माँ जी को ना बहुत मन था कि मैं गंगोत्री धाम जाऊंगी ना तो मैं गंगा स्नान जरूर करूंगी। और मेरी माँ जी ने बड़े मस्त होके माँ जी ने गंगा जी में स्नान किया और बहुत सबने बोले कितने लोटे डाले माँ जी, बहुत डुबकी 6-7 लोटे डाले। और माँ जी कह रही कितना आनंद आया ना, ना मुझे ठंडा लगा। और माँ कह रही मैं कल ही फिर नहाऊंगी, बहुत आनंद आया। इसीलिए मैं आप गंगोत्री आए कि मैं गंगा नहाना है। माँ जी का मन था मैं गंगोत्री जाऊंगी तो गंगा स्नान तो मुझे करना ही है, चाहे ठंड हो चाहे बर्फ पड़े चाहे बारिश लगे। आज माँ जी को तसल्ली हो गई, गंगा स्नान आज मुश्किल अच्छी शांति मिल गई गंगा स्नान की। आरती शुरू होने से पहले यहाँ पे चल रही है हनुमान चालीसा। ओये सिद्धिशा की गौरी का तुलसीदास सदा हर तेरा, की जय नाम हृदय मांडेरा। जतन गंगे स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे शरणागतम गंगे। अब माँ भगवती गंगा जी की सायंकालीन आरती होने ही वाली है और सारे आप देख सकते हैं श्रद्धालु तीर्थ और आरती का इंतजार कर रहे हैं। तस्मात् अरंगमा बहु वृष छाया झिम्बत।
चलिए जी, गंगा आरती के बाद अभी मैं आ गई जहाँ पे मेरी मौसी जी लोगों का रूम है। हाँ। रात का डिनर भी हो गया। हाँ। और मौसी जी बैठ गई रजाई के अंदर, क्योंकि मौसी जी को ना बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। खाना पीना खाए, आराम किया, लंगर का खाना इतना अच्छा बन रखा था ना, गंगोत्री गंगा समिति की जो लंगर चलती है, बहुत ही टेस्टी खाना था। अब माँ जी लोगों के सोने की तैयारी है, और कल मेरी जो मौसी जी के हस्बैंड ने मौसा जी है, तो उनका श्राद्ध है, तर्पण वगैरह होगा, और कल हम लोग उत्तरकाशी निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको जल्दी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय 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 बाय।